हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन कम्युनिटी। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 11 विद्युत एवं आधारभूत संरचना के बारे में, अर्थात इकोनॉमिक सर्वे का चैप्टर नंबर 11 विद्युत एवं आधारभूत संरचना हम देखेंगे। पिछले वीडियो को हम लोगों ने देखा था चैप्टर 7, जिसमें कृषि एवं संबंधित सेवाओं के बारे में हमने चर्चा किया था। उसमें कुछ डाउट्स आए थे कुछ स्टूडेंट्स के। पहला एक डाउट्स आया था कृषि जोत के क्षेत्रफल के आधार पर, तो ध्यान रखेंगे सीमांत किसान, लघु किसान, अर्ध मध्यम किसान, मध्यम किसान एवं वृहद किसानों के द्वारा जो भूमि प्रयोग में लाया जा रहा है, यानी 9.5 लाख हेक्टेयर, ये इन सारों को ऐड करने के बाद ही जो 50.84 लाख हेक्टेयर काउंट होता है, आप इनको ऐड करेंगे तो आपको कृषि जोत का क्षेत्रफल भी प्राप्त हो जाएगा। ठीक, पहला चीज। दूसरा चीज़, एक क्वेश्चन नंबर 8 में जो शुद्ध सिंचित क्षेत्र एवं कुल सिंचित क्षेत्र, मैंने आपको बताया था कि शुद्ध सिंचित क्षेत्र या निरा सिंचित क्षेत्र तथा कुल क्षेत्र जैसे संबंधित दो क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें हम लोगों ने सिंचाई से संबंधित क्वेश्चन को लिया था। ठीक, तो याद रखेंगे यहां पर कुछ थोड़ा सा जो मार्किंग है वो अलग हुआ, ठीक है, उसे करेक्ट कर लेते हैं। तो ध्यान रखेंगे कुल सिंचित क्षेत्र और शुद्ध सिंचित क्षेत्र, मैं केवल यहां पे डाटा बता रहा हूं जहां पर अधिकतम होगा। तो कुल सिंचित क्षेत्र पे क्षेत्रफल के आधार पर जहांगीर सबसे आगे है, और शुद्ध सिंचित क्षेत्र पे क्षेत्रफल के आधार पर जहांगीर सबसे आगे है। ठीक, अब बात करते हैं प्रतिशत के आधार पर। तो कुल सिंचित क्षेत्र में प्रतिशत के आधार पर जांजगीर जो है वह आपका सबसे आगे है, और उसके बाद क्या है रायपुर। और शुद्ध सिंचित क्षेत्र में, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, शुद्ध सिंचित क्षेत्र में रायपुर सबसे आगे है और धमतरी उसके बाद और जांजगीर चांपा उसके बाद, यानी ये क्रम को आपको याद रखना है। ठीक, यानी कि कुल सिंचित क्षेत्र दूसरा आएगा शुद्ध सिंचित क्षेत्र। दो फैक्टर पर ध्यान रखना है, एक तो क्षेत्रफल के आधार पर और दूसरा परसेंटेज के आधार पर। किसी भी डाटा या तथ्य को याद करने के पहले पहले उसको समराइज करिए, एक्चुअली वो जो डाटा और वो तथ्य कैसे कैसे कनेक्ट हो रहे हैं, पहले उस समराइजेशन के लिंक को, जितने लिंक्स हैं उसको ध्यान रखें, और उसके बाद उस थ्योरी पे जाएं और उसे याद करने की कोशिश करें, तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हम देखेंगे विद्युत एवं आधारभूत संरचना के बारे में और इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं। तो पहले हम इसके लिए कुछ ब्लॉक्स की क्या कर लेते हैं, स्टडी करते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर एक ब्लॉक डायग्राम बनाया हुआ है। आप लोगों को पता है कि जीएसडीपी में कंट्रीब्यूशन, हर टॉपिक जितने भी इकोनॉमिक सर्वे के टॉपिक्स होंगे सब में एक कॉलम इस तरह का आपको दिखेगा कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद में विद्युत गैस पानी की आपूर्ति का क्या योगदान है, कृषि का क्या योगदान है, वानिकी का क्या योगदान है। ठीक, इसी तरीके से आपको खनिज एवं उद्योगों के क्या योगदान है। तो ये जो ब्लॉक्स हैं इसको एनालिसिस करना आपको सीखना होगा कि किस प्रकार से ये एनालिसिस होगा। ठीक, साथ ही साथ आप ध्यान रखेंगे चैप्टर नंबर 3 का पेज नंबर 31 से मैंने ये वाला डाटा लिया हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र एवं सेवा क्षेत्र। ठीक, प्राथमिक क्षेत्र का जीएसडीपी में क्या है, लाख रुपीस में स्थिर भाव पे, ध्यान रखेंगे यहाँ पे जो भी डाटा लिया मैंने स्थिर भाव पे लिया हुआ है। ठीक, द्वितीयक क्षेत्र का क्या कंट्रीब्यूशन है, इतना लाख रुपीस, सेवा क्षेत्र का इतना कंट्रीब्यूशन, और टोटल अगर स्थिर भाव पे राज्य का जीएसडीपी की बात करूँ तो ये है आपका 2184, याद रखेंगे 2184-7949, करेक्ट, लाख रुपीस है। अब मेरे को किसी भी सेक्टर का परसेंटेज निकालना है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है सारी चीज़ें, जैसे कि साइड में आपको सारे कॉलम दिख रहे हैं प्राथमिक क्षेत्र के बारे में, द्वितीयक क्षेत्र के बारे में, तृतीयक क्षेत्र के बारे में। ठीक, अगर प्राथमिक क्षेत्र में किसी एक कंपोनेंट का निकालना है, जैसे कि द्वितीयक क्षेत्र है, द्वितीयक क्षेत्र के 3 कंपोनेंट मैंने यहाँ पर लिखे हैं, विनिर्माण, विद्युत गैस एवं जल, जो अभी हम डिस्कस करेंगे, और एक निर्माण। तो विद्युत गैस एवं जल का कितना रुपये कंट्रीब्यूट होकर इतना बना, इतना रुपये। सेम इसी का भी कोई कंटेंट होगा जो इतना मिलकर बना होगा, और इसका भी कोई कंट्रीब्यूट होगा जो ये मिलकर बना होगा, ये तीनों मिलकर क्या बने, ये। ठीक, तो अगर मेरे को इसका परसेंटेज निकालना है तो इसे मेरे को इस स्थिर भाव में राज्य के जीएसडीपी से डिवाइड करना होगा, तो मुझे 18-19 जो अग्रिम अनुमान है उसका वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, क्या योगदान है लाख रुपीस में, कितना वृद्धि है यानी प्रीवियस ईयर से कितना वृद्धि है, और कितना प्रतिशत उसका हिस्सा है, यानी कि ये जीएसडीपी है, इस जीएसडीपी पे इस वाले सेक्टर का कितना है, ये मान लेते हैं हम लोग इसको 3 भाग में डिवाइड कर लेते हैं। ये हो गया आपका द्वितीयक क्षेत्र, ये हो गया आपका सेवा क्षेत्र, और ये हो गया आपका प्राथमिक क्षेत्र। ठीक, अब इस द्वितीयक क्षेत्र में कितना विनिर्माण है, कितना विद्युत गैस एवं पानी है, और कितना आपका उद्योग है। ठीक, तो ये हमको निकालना होगा और इस तरीके से आपको इसको एनालिसिस करना है। चलिए इस कॉलम को देखते हैं, कॉलम को देखने के साथ ही साथ हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 1, वर्ष 2018-19 में छत्तीसगढ़ राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में, ठीक, 2018-19 में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में विद्युत गैस पानी आपूर्ति का योगदान
विद्युत गैस पानी आपूर्ति का योगदान वृद्धि प्रतिशत स्थिर कीमत या स्थिर भाव पर कितना रहा? क्या बोल रहा है? वृद्धि प्रतिशत की बात कर रहा है। और 2018-19 तो कितना आएगा? इसका आंसर आएगा आपका 7.51। इसको याद रखना है, कितना? 7.51। कितना प्रतिशत वृद्धि कितना हुआ वो इस वाले ईयर से? जब आप दीज माइनस दीज अपॉन दीज करेंगे तो ये वृद्धि प्रतिशत निकल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर होगा प्रश्न क्रमांक एक का डी। उसके बाद चलते हैं प्रश्न क्रमांक दो। प्रश्न है, वर्ष 2018-19 में छत्तीसगढ़ राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में विद्युत गैस पानी आपूर्ति का योगदान हिस्सा प्रतिशत कितना है? ठीक है, यानी जीएसडीपी में दिस ये वाले सेक्टर का, मतलब मैं यहाँ पे द्वितीयक क्षेत्र भी नहीं बोल रहा हूँ, द्वितीयक क्षेत्र के कंपोनेंट की जब मैं बात करूंगा तो उस कंपोनेंट का कितना प्रतिशत यहाँ पर हिस्सा होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था 8.56%। ठीक, तो प्रश्न क्रमांक दो का जो आंसर होगा वह होगा डी 8.56। ठीक है, तो ये 18-19 की बात कर रहा है, अगर 17-18 की बात करेगा तो 8.41 होगा। और इस बार जो इकोनॉमिक सर्वे आएगा यहाँ पर एक और कॉलम हो जाएगा जो कि 19-20 हो जाएगा, इस ए की वैल्यू यहाँ पर क्यू हो जाएगी, क्यू की वैल्यू यहाँ पर पी हो जाएगी, और यहाँ पर जो 19 आएगा वो हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए उसके बाद चलते हैं हम लोग प्रश्न क्रमांक तीन पे। तो राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में विद्युत गैस पानी क्षेत्र संबंधित निम्न कथन असत्य है, निम्न कथन असत्य है। ठीक, यानी कि हमें क्या पहचान कर रहा है, असत्य कथन की बात करनी। चलिए देखते हैं, पहला, सकल घरेलू उत्पाद में विद्युत गैस पानी क्षेत्र के आपूर्ति का योगदान लाख रुपीस में लगातार वृद्धि हो रही है। मतलब इसका बात यह है कि जो लाख रुपीस में कंट्रीब्यूशन है जीएसडीपी में, विद्युत गैस पानी आपूर्ति का लाख रुपीस में कंट्रीब्यूशन लगातार डे बाय डे क्या हो रहा है, सॉरी ईयर बाय ईयर इंक्रीज हो रहा है, यानी कि 12-13, 13-14, 14-15 एंड देन 18-19। चलिए देखते हैं 9, 10, 11, 14, 16, 17, 18, बिल्कुल सत्य, तो ये लगातार इंक्रीज हो रहा है। तो आप इसको, अच्छा, सब चीज़ों में याद रखेंगे, आप तीन चीज़ों को याद रखेंगे, योगदान, वृद्धि और हिस्सा। योगदान लगातार क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, नोट कर लीजिए यहाँ पर इस तरीके से। दूसरा सेम क्वेश्चन है कि वृद्धि प्रतिशत में 12-13 से 18-19 तक उच्चावच देखने को मिल रहा है, उच्चावच देखने को मिल रहा है, इसका मतलब यह है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, वृद्धि की बात कर रहा है। तो आइए वृद्धि में देखते हैं, यहां पर हमने 34 देखा, यहां पर हमने 9 देखा, फिर 9.86 देखा, यानी फिर इंक्रीज हुआ। ठीक, तो वृद्धि प्रतिशत कैसा है ये थोड़ा सा याद करने के लिए आपको याद रखना होगा, ये इंक्रीज, ठीक, इंक्रीज के बाद ये क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, डिक्रीज होने के बाद फिर इंक्रीज होगा, और फिर इंक्रीज हुआ, उसके बाद फिर डिक्रीज होगा, फिर डिक्रीज हुआ, और फिर इंक्रीज हुआ। ठीक, यानी आपको याद रखना है 12-13 से आप याद रख सकते हैं I D I I D D I, ये एक सीक्वेंस चला है, यानी कि अप एंड डाउन के फॉर्मेट में है। तो याद रखें आप ID याद रख सकते हैं आप यहाँ पे वृद्धि के लिए ID II II D I, करेक्ट। कभी भी इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस वर्ष कम देखा गया या किस वर्ष किससे ज़्यादा देखा गया, उसके लिए ये वाला ट्रिक ज़्यादा अच्छा है। बाकी आप वृद्धि आपको पता है अप एंड डाउन हुआ है, तो इसका आंसर जो होगा, जो ये स्टेटमेंट बोल रहा है, बिल्कुल सही बोल रहा है। तीसरा स्टेटमेंट है, इसमें जो विद्युत गैस एवं पानी के योगदान में जो हिस्सा प्रतिशत है में भी उच्चावच देखने को मिलता है। हिस्से प्रतिशत में आइए चलते हैं, 6.15 इंक्रीज था, फिर ये डाउन हुआ, फिर ये इंक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हुआ, फिर डाउन हुआ, एंड देन फिर इंक्रीज हुआ। तो यानी कि उच्चावच देखने को मिल रहा है, अप एंड डाउन हो रहा है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखेंगे, इनमें एटलीस्ट आप इन डाटास को जरूर याद रखें कि पिछले साल से क्या हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि विद्युत गैस पानी आपूर्ति में 18-19 में 17-18 से क्या देखने को मिलता है, किसमें, वृद्धि प्रतिशत में, तो हमें क्या देखने को मिलता है, वृद्धि देखने को मिलता है। ठीक, साथ ही साथ पूछ सकता है विद्युत गैस पानी आपूर्ति में, किसमें, विद्युत गैस पानी आपूर्ति में 18-19 में हिस्सा प्रतिशत में क्या देखने को मिलता है, तो इसमें भी हमको क्या देखने को मिलता है, वृद्धि देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि 8.41 से लेकर 8.56 की तरफ हम अग्रसर हो रहे हैं। तो ये वाले पॉइंट्स को आपको क्या करना होगा, ध्यान रखना होगा। ठीक, तो यहां से और भी क्वेश्चन आपके सॉल्व हो सकते हैं। चलिए, तो प्रश्न क्रमांक तीन का जो आंसर होगा वह होगा फोर्थ, क्योंकि सारे कथन जो है अकॉर्डिंग टू दिस टेबल, सारे के सारे कथन क्या है हमारे, सत्य है। ठीक है,
चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के आधार पर निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन बताइए। ठीक, तो ये सत्य कथन बताने के लिए बात बोल रहा है। तो इसके पहले हमने यहाँ पर तीन चीज़ें देखी, ध्यान रखेंगे उत्पादन क्षमता जो कि मेगावाट में होगा, इसको हमेशा ध्यान रखेंगे। उत्पादन क्षमता यानी कि जो कैपेसिटी वो मेगावाट में, जो उत्पादन जो है वो मिलियन यूनिट में है और जो खपत है वो भी मिलियन यूनिट में, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी में आपको ये तीन चीज़ों के ऊपर और डाटा को ध्यान रखना होगा। यानी कि एक तो उसकी कैपेसिटी होगी जो मेगावाट में होगी, कोई चीज़ अगर उत्पादन होगा तो उसका खपत तो होगा ही होगा, यानी कि प्रोडक्शन होगा तो उसका कंजम्पशन होगा। तो ये तीन चीज़ों को और ध्यान रखेंगे। ठीक, आगे देखते हैं कैसे इसको एनालिसिस करते हैं। तो पहले इसको एनालिसिस कर लेते हैं। उत्पादन क्षमता, आप सभी को पता है कि हम धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं, इलेक्ट्रीफाई होते जा रहे हैं और हमारे यहाँ विद्युत की क्षमता लगातार दिन ब दिन इस साल और दर साल लगातार बढ़ती जा रही है। अर्थात उत्पादन क्षमता में उच्चतर यहाँ पर बढ़ोतरी हमें देखने को मिलेगी, किसी भी साल हमें इसमें कमी देखने को नहीं मिलने वाली। तो याद रखें 11, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 16, 16, 17 और 17, 18 यानी कि 17, 18 में 3424.7 मेगावाट इकोनॉमिक सर्वे 18-19 के अनुसार पे आखिर अभी नेक्स्ट आएगा उसमें देखते हैं कि इसमें कितना कम किया गया सरकार के द्वारा। बट अभी आप ध्यान रखेंगे 3424.7 मेगावाट जो प्रोडक्शन है हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का, जो उत्पादन क्षमता है वह है और ये लगातार क्या हो रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है। तो मैंने यहाँ पे नोटेशन बना दिया लगातार इंक्रीज का। ठीक, उसके पश्चात देखेंगे उत्पादन मिलियन यूनिट पे क्या है, देखेंगे 129, 124 करेक्ट, यानी कि यहाँ से ये कम हो चुका, कम होने के बाद फिर ये बढ़ा हुआ है, फिर ये बढ़ा गया, फिर ये कम हुआ, कम होने के बाद फिर बढ़ा और फिर बढ़ा, यानी कि जो उत्पादन है यानी कि जो मिलियन यूनिट में जो उत्पादन है वो लगातार इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है। अर्थात ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग 3 से 4 फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है। पहला यानी कि जो हमारा प्रोडक्शन है, ठीक, जैसे कि कोल की अवेलेबिलिटी पे, ठीक है। दूसरा जो सिस्टम या जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है प्लांट्स में क्या वो बेहतर है, उस पर ये प्रयोग होगा। आप देख सकते हैं कि लास्ट 15-16 से 15-16, 16-17, 17-18 से हमने लगातार इसमें क्या की है, वृद्धि की है, यानी कि हम अपने प्रोडक्शन प्लांट्स पे काफ़ी ज़्यादा वर्क करके इस पर और सारे एसेसरीज के साथ क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं ताकि हमारा जो उत्पादन हो लगातार क्या हो, इंक्रीज हो। और हम नई नई तकनीकों का क्या कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, जिससे कोयले कम और प्रोडक्शन ज़्यादा हो। अर्थात जो प्लांट का PLF होता है, प्लांट लोड फैक्टर, अभी नेक्स्ट अभी क्वेश्चन हम देखेंगे प्लांट लोड फैक्टर हर प्लांट का क्या हो, मैक्सिमाइज हो, इस पर ध्यान दिया जा रहा है सरकार के द्वारा। तो आप देख सकते हैं, लेकिन इसका जो गणना है वह गणना आपको उच्चवाच कम एंड ज्यादा दिखेगी। खपत की बात करूं तो आपको पता है कि खपत जो होगी वो लगातार इंक्रीज होगी। तो आइए देखते हैं खपत लगातार इंक्रीज कैसे हो रही है। ये देखिए, इसमें कहीं पर भी आपको खपत कम होता हुआ नहीं दिखेगा, यानी कि यहां पर भी आपको केवल एक डाटा याद रखना है। दैट मीन्स पहला आपका आएगा उत्पादन क्षमता, दूसरा आएगा आपका उत्पादन और तीसरा आएगा आपका खपत। ठीक, तो उत्पादन क्षमता क्या होगी, लगातार इंक्रीज होगी, खपत क्या होगी, लगातार इंक्रीज होगी, और जो उत्पादन होगा उसमें वेरियस फैक्टर्स जो होते हैं वो मैटर करते हैं, इसलिए वो अप एंड डाउन उसके डाटा आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग रुख करते हैं। पहला लिखा है राज्य की उत्पादन क्षमता में 2011-12 से 2017-18 तक लगातार बढ़ोतरी हो रही है। उत्पादन क्षमता की बात है तो बिल्कुल सत्य होगा। दूसरा, राज्य की उत्पादन में 2011-12 से 17-18 तक लगातार बढ़ोतरी हो रही है, बिल्कुल गलत है। उत्पादन में अप डाउन्स हो रहे हैं, यानी उच्चावच की स्थिति हमें देखने को मिलती है। ठीक, चलिए तीसरा बोल रहा है राज्य के विद्युत खपत में 11-12 से 2018 तक लगातार वृद्धि हो रही है, बिल्कुल सत्य है। और फोर्थ है विद्युत उत्पादन में कमी क्रमशः 2012-13, उत्पादन में कमी क्रमशः 12-13, ठीक है, 12-13 एवं 15-16 की बात किया, में अपने पूर्व वर्षों की तुलना में देखने को मिलती है। ओके, मतलब अपने पूर्व वर्षों की तुलना में 12-13 में हमने कमी देखा, ठीक है। यहाँ पे 129 था, यहाँ पे 124, बिल्कुल सत्य है। एंड 15-16 में यहाँ पे 156 था, यहाँ पे 159 है, यानी ये स्टेटमेंट इस ब्लॉक के हिसाब से बिल्कुल सत्य है। यानी कि इसने ये बोला है कि 12-13 और 15-16 में अपने पूर्व के वर्षों से इसमें हमें उत्पादन में क्या देखने को मिल रही है, कमी देखने को मिल रही है। तो याद रखेंगे 1, 3 एंड 4, केवल 1, 3 एंड 4 इसका आंसर होगा डी, यानी प्रश्न क्रमांक 4 का आंसर होगा आपका डी। पहला, राज्य की क्षमता बिल्कुल इंक्रीज हो रही है। दूसरा, राज्य में उत्पादन में बढ़ोतरी नहीं, अप एंड डाउन हो रहे हैं। तीसरा, राज्य के विद्युत खपत में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। और चौथा, विद्युत उत्पादन, ये भी सही, यानी कि प्रश्न क्रमांक 4 का जो आंसर होगा वह होगा डी, 1, 3 एंड 4।
चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करें। इसमें बोल रहा है स्टेट सेक्टर में छत्तीसगढ़ राज्य 2017-18 में औसत PLF के लिए चतुर्थ स्थान में रहा, देश भर में तृतीय सर्वश्रेष्ठ विद्युत गृह DSPM प्रसाद मुखर्जी, ठीक है। 3 अक्टूबर 2018 की स्थिति में छत्तीसगढ़ राज्य स्टेट सेक्टर में चौथे स्थान पर रहा और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखेंगे इसमें बात कर रहा है या किसके बारे में, PLF के बारे में। PLF का मतलब होता है प्लांट लोड फैक्टर, कि हम कितने एवरेज पावर, ठीक है, कितने एवरेज पावर जनरेट कर रहे हैं अपॉन हम कितना जनरेट कर सकते हैं, ठीक। अब मान लेते हैं हमारी कैपेसिटी है 2000 मेगावाट की, ठीक है, और हम अभी कितना जनरेट कर रहे हैं, ओनली 1000 मिलियन यूनिट हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो हमारा जो PLF होगा वह होगा 50% PLF होगा। तो इसी तरीके से याद रखेंगे, जब ये वाला डाटा 3424.7 है हमारा, इतने मेगावाट हमारी कैपेसिटी है और हम अभी प्रोडक्शन कर रहे हैं कितना 3000 मेगावाट, ध्यान रखेंगे, मान लेते हैं 3000 मेगावाट, तो जिस तरह से हमारी प्रोडक्शन जो होगी, जो उत्पादन होगी, जो कि मिलियन यूनिट में हमने डाटा देखा, तो वो अगर लगातार धीरे धीरे आगे बढ़ता है तो उस आधार पर हमारा PLF भी क्या होगा, धीरे धीरे इंक्रीज होगा। ये क्यों होगा, जब विद्युत वितरण में साथ जब विद्युत उत्पादन में आने वाली जो हानियां होंगी वो क्या होंगी, आने वाली जो समस्याएं होंगी वो दूर हो जाएंगी, तो डेफिनेटली हम ये वाले पार्ट को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, जिससे कि PLF की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक। तो चलिए स्टेट सेक्टर, तो ध्यान रखेंगे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण नई दिल्ली CEA के द्वारा यह डाटा रिलीज किया जाता है, और 2017-18 के लिए जो PLF पूरे PLF जो है प्लांट लोड फैक्टर स्टेट सेक्टर्स के ऑन एवरेज कितना है, 56.83, और इसमें सारे स्टेट्स की रैंकिंग निकाली जा रही है, और इस स्टेट की रैंकिंग में छत्तीसगढ़ का स्थान जो है वह चौथे नंबर में, और कितने PLF के साथ, 72.51%, यानी कि पूरे भारत देश के अगर सारे प्लांट्स के, यानी विद्युत इलेक्ट्रिसिटी के प्लांट्स के प्लांट लोड फैक्टर के बारे में अगर बात की जाए तो उसकी वैल्यू आएगी 56.83। और इसे पर्टिकुलरली हर स्टेट्स के डाटाज आए होंगे जिनको एवरेज कैलकुलेट करके यहाँ पे निकाला गया होगा, और सेम अगर मैं बात करूँ अक्टूबर 2018 तक, क्योंकि आपको पता है कि 2017-18 बोलने का मतलब होता है 1 अप्रैल 2017 से लेकर 31 मार्च 2018, ठीक। तो अक्टूबर 2018 में CEA की रिपोर्ट आई थी 57.45, जो कितना है आपका फोर्थ नंबर पे, यानी कि CG की PLF यहाँ पर क्या हुई, 77.81, यानी कि इस 31 मार्च से यहाँ अक्टूबर देगी, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, यानी इस 6 to 7 months में हमारा PLF में इंक्रीज लगभग 4 to 5% की इंक्रीमेंट हमें देखने को मिलती है, और अभी भी ये कितना कौन से स्थान पे है, फोर्थ नंबर पर हमारा छत्तीसगढ़ किस पे है, PLF में है, ठीक। DSPM डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पावर प्लांट 2x250 मेगावाट का है, कहाँ पर, कोरबा में स्थित है, इसका निर्माण 2007 में हुआ, और इसकी जो PLF है वो है 92.31%, करेक्ट। तो इसके आधार पर असत्य कथन की पहचान करें, यानी कि तीनों के तीनों जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं वो सारे के सारे क्या है, सत्य हैं, तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। तो ये याद रखेंगे PLF के बारे में, इस बार जब इकोनॉमिक सर्वे आएगा तो उसमें क्या PLF आएगा हमें वो देखने की जरूरत होगी। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, विद्युत वितरण हानि के संबंध में सत्य कथन है। पहला विद्युत वितरण हानि के बारे में सत्य कथन के बारे में देखना, पहले क्वेश्चन आप देख लें, यहाँ पर हमने विद्युत वितरण हानि के बारे में बात किया हुआ है, ठीक। 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 और 18 तक के डाटा यहाँ पर दिए हुए परसेंटेज के आधार पर, ठीक। अब ये ध्यान रखेंगे विद्युत वितरण हानि को मैं बहुत ही बेसिक और ईजी वे पर यह समझाऊंगा कि हमने प्लांट से 100 मिलियन यूनिट इलेक्ट्रिसिटी रिलीज की, और जहां उसे डेस्टिनी तक पहुंचना है वहां तक केवल और केवल 60 मिलियन यूनिट इलेक्ट्रिसिटी पहुंची, यानी कि बीच में कई जगह लॉसेस हुए, वो लॉसेस कितने हैं, वह है आपके 40 मिलियन यूनिट के समथिंग, यानी कि ये जो विद्युत वितरण में या विद्युत के एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण में किस प्रकार की हानि होगी उसे ही हम विद्युत वितरण की हानि कहेंगे। ये हानि कई प्रकार से हो सकती है, कई जगह बिजली चोरी भी हो सकती है, कई जगह तार जो इलेक्ट्रिसिटी जो हाई टेंशन लाइन जाती है उसकी भी समस्या हो सकती है, ठीक। कई जगह आपदा, कुछ नेचुरल आपदाएं जो आएंगी, जो समस्याएं आएंगी उसके कारण भी विद्युत की हानि हो सकती है, तो इन सब चीज़ों में सुधार लाने का प्रयास किया जाना चाहिए, और धीरे धीरे राज्य सरकार के द्वारा इस क्षेत्र में भी कार्य कई योजनाओं के माध्यम से किया जा रहा है। इसलिए आप देखेंगे 2009 से लेकर 2017-18 तक विद्युत वितरण हानि में लगातार क्या हुआ है, डिक्रीमेंट हुआ है, यानी लगातार हानि जो हुई है वो क्या हुई है, कम हुई है, ठीक।
तो इसके आधार पर हम देखते हैं विद्युत वितरण हानि में 2009 से लेकर 2009 में 31.5 से घटकर वर्ष 2017-18 में कितना हुआ, 18.08% हो गया, बिल्कुल सत्य है। उसके पश्चात देखते हैं 2018-19 से वितरण हानि, 2018-19 में याद रखेंगे यहाँ पर 18-19 की बात कर रहा है, तो इस आधार पर हम लोगों ने यहाँ पर देखा है, ठीक है। इसमें नेक्स्ट स्टेटमेंट दिया है 18-19 में वितरण हानि 17-18 है 4.11% कम करने का लक्ष्य है, 4.11% कम करने का लक्ष्य है, ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है पेज नंबर 178 इकोनॉमिक सर्वे में, आप देख सकते हैं पेज नंबर 178 में लिखा हुआ है। इसके लिए ध्यान रखेंगे जब हम इसको इनसे माइनस करेंगे, लक्ष्य कितना रखा है 14.72%, ठीक, अगर मैं इनको माइनस करूँ तो ये इतना नहीं आएगा, एक्चुअली में 4.11 नहीं आएगा, लेकिन अब इकोनॉमिक सर्वे में लिखा है तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक। तो गवर्नमेंट के डाटास को भी देखें और कैलकुलेट करके देखें, क्योंकि इससे अगर मैं 4.11 कर माइनस करूंगा तो 14.72 तो हरगिज नहीं आएगा, लेकिन लिखा हुआ है लक्ष्य इतना दिया हुआ है, कम इतना करना है, तो ऑब्वियस ही बात है इसलिए ये क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक। थर्ड में चलते हैं, 2017-18 में वितरण हानि 16.05 रहा, बिल्कुल गलत है, 18.08% है। फोर्थ है वितरण हानि में उच्चावाच रहा परंतु प्रतिशत में लगातार कम हो रहा है, बिल्कुल सत्य है। तो वितरण हानि में इसने बोला मिलियन यूनिट्स की बात करूं मैं अगर वितरण की, तो डेफिनेटली कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज, कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज, कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज की बात हुई, क्योंकि मिलियन यूनिट्स जो है, मिलियन यूनिट्स जो है वो खपत पर, खपत से डायरेक्टली रिलेटेड है, ध्यान रखेंगे मिलियन यूनिट डायरेक्टली रिलेटेड तो खपत है, तो इसका डाटा अलग होगा, यानी कि मिलियन यूनिट यानी कि उत्पादन के आधार पर अगर मैं बात करूं कि इस बार इतना उत्पादन हुआ, इस बार ये इतना तक नहीं पहुंच पाया, इस तरह से चीज़ें अगर मैं कैलकुलेट करूं तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में, लेकिन परसेंटेज बेसिस में ये सारी चीज़ किसमें है, ये सारी चीज़ें हैं आपकी परसेंटेज में, तो परसेंटेज के आधार पर ये जो है रेगुलर बेसिस में क्या है, डिक्रीमेंट हो रहा है। तो प्रश्न क्रमांक 6 का जो आंसर होगा वह होगा आप 3, ठीक। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7 है, आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के आधार पर ग्राम विद्युतीकरण के बारे में सत्यकथन है। पहला, 2017-18 के अंत तक 19535 ग्राम विद्युतीकृत थे, ठीक है, बिल्कुल 17-18, 30-9-18 की स्थिति में 19567 की संख्या विद्युतीकृत ग्रामों की संख्या, ठीक है, 30-9-18 तक 32 ग्राम अपरंपरागत तरीके से क्रेडा द्वारा विद्युतीकृत होने के पश्चात 100% ग्रामों का विद्युतीकृत किया जा चुका है। यानी कि देखिएगा, सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग छत्तीसगढ़ में कुल ग्रामों की संख्या 19567 है, और उसी के आधार पर ग्राम विद्युतीकृत में 2017-18 19535 ग्रामों का क्या किया गया था, विद्युतीकृत किया गया था, और इस 19535 में कुछ परंपरागत तरीके से और कुछ अपरंपरागत तरीके से, यानी परंपरागत तरीके से मतलब आप थर्मल एनर्जी के द्वारा गाँवों का विद्युतीकरण करना, और तथा अपरंपरागत या जिसको हम बोलते हैं अपरंपरागत मतलब नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज के द्वारा, यानी कि ऐसे रिसोर्सेज जिनको क्रेडा के द्वारा क्या किया जा रहा है, आगे बढ़ाया जा रहा है, ठीक, तो उनके द्वारा इन गांवों का क्या करना, विद्युतीकृत करना या उन गांवों को इलेक्ट्रिफाई करना, इस वाले रिसोर्सेज में हम देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहां पर 18250 एंड 1285 यहां पर देखा हमने, और यहां पर आया 18250 प्लस 1285 प्लस अपरंपरागत में 32 गांव और बचे थे जिनको क्या किया गया, क्रेडा के द्वारा सौर ऊर्जा के द्वारा विद्युतीकृत किया गया, और कुल 100% यानी 100% ग्रामों के विद्युतीकृत करण का लक्ष्य हासिल कर लिया गया है, ठीक। तो इसका जो आंसर होगा इसमें होगा, इसमें असत्य कथन की पहचान करनी थी, और इसमें कथन होगा फोर्थ, इनमें से कोई नहीं, तो ध्यान रखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में असत्य कथन डिफाइन करना था, और इसमें होगा आपका कौन सा, फोर्थ आंसर, यानी कि इनमें से कोई नहीं, यानी कि तीनों जो कथन है वो क्या अपने आप में सत्य है। फिर देखते हैं प्रश्न क्रमांक 8, तो प्रश्न क्रमांक 8 जो है वह विद्युत उपभोक्ताओं के स्वरूप का सही विवरण किसमें दिया हुआ है, विद्युत उपभोक्ता, याद रखेंगे अभी जो नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाले हैं, दो प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, एक में मैंने विद्युत उपभोक्ताओं के बारे में बताया है, क्या, विद्युत उपभोक्ता के बारे में, ठीक, विद्युत उपभोक्ता यानी कौन, घरेलू है, ठीक है, यानी कि घरेलू हो गया आपका, बीपीएल हो गया, कृषि हितग्राही हो गया, तो कौन से विद्युत उपभोक्ता या किस एरिया के विद्युत उपभोक्ता जो हैं वह ज़्यादा विद्युत का क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये विद्युत उपभोक्ता के मतलब नंबर्स जो कंज्यूमर हैं, ठीक है, कंज्यूमर्स के नंबर की बात करेंगे, इसके बाद जब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा उसमें हम कितना हमने सेल किया उसकी बात करेंगे। तो याद रखेंगे इसमें प्रश्न क्रमांक 8, विद्युत उपभोक्ताओं के स्वरूप का सही विवरण किसमें दिया हुआ है, प्रतिशत के आधार पर, तो ध्यान रखेंगे इसमें घरेलू, बीपीएल, कृषि हितग्राही, गैर घरेलू, औद्योगिक श्रेणी, यानी प्रश्न क्रमांक 8 का
पहला इसका आंसर होगा। इकोनॉमिक सर्वे पे आप जाएं और वहां पर इसके परसेंटेज क्या दिए हुए हैं उसको आप देख सकते हैं वहां पे, यानी सबसे ज़्यादा जो उपभोक्ता है वो घरेलू पे है, दूसरा बीपीएल फैमिली है, तीसरा कृषि हितग्राही है, चौथा गैर घरेलू है और चौथा औद्योगिक श्रेणी है। मान लेते हैं घरेलू जो उपभोक्ता की संख्या आउट ऑफ 100 60 होगी, बीपीएल फैमिली की जो संख्या होगी वह लगभग 25 के लगभग होगी। तो इस तरह से आप कैलकुलेट करें तो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वह किसकी है, घरेलू की। तो इसका आंसर होगा एक। उसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्य में विद्युत उपभोक्ता के स्वरूप का, विद्युत उपभोग के स्वरूप का, उपभोक्ता नहीं है यहाँ पर है उपभोग का, ठीक। वहाँ पे नंबर ऑफ कंज्यूमर हमने देखा तो नंबर ऑफ कंज्यूमर कौन ज़्यादा था, घरेलू ज़्यादा थे। अब यहाँ पे कौन सबसे ज़्यादा विद्युत कंज्यूम कर रहा है, कौन उपभोग कर रहा है, नंबर्स पे डिपेंड नहीं होगा, उनके यूजेस पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो यूज़ हो रहा है वो औद्योगिक के क्षेत्र के द्वारा, फिर घरेलू, फिर कृषि, फिर गैर घरेलू और फिर सार्वजनिक क्षेत्र यानी जल कर या सड़क बत्ती के द्वारा। यानी क्वेश्चन नंबर 9 का भी जो ऑप्शन होगा वो एक होगा। तो ध्यान रखेंगे अगर उपभोक्ता की बात करा तो सबसे ज़्यादा उपभोक्ता हाउस होल्ड या घरेलू है, और यूजेस की बात करा तो छत्तीसगढ़ में इंडस्ट्रीज के द्वारा मैक्सिमम इसको क्या किया जा रहा है, यूज़ या प्रयोग किया जा रहा है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, सारथी योजना संबंधित है। तो ध्यान रखेंगे सारथी योजना जो है वह संबंधित है आपके परिवहन से संबंधित। तो ये ऑप्शन नंबर 3 है यानी कि परिवहन से संबंधित, इसे सारथी योजना संबंधित है, पहला चीज। दूसरा चीज ध्यान रखना है कि सारथी योजना के इम्प्लीमेंटेशन में पूरा पूरे राज्यों में यानी पूरे भारत देश में छत्तीसगढ़ का स्थान प्रथम है, ठीक। तो इस प्रकार से हम लोगों ने विद्युत एवं आधारभूत संरचना के बारे में डिस्कस किया। और विद्युत एवं आधारभूत संरचना इसका मतलब क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर दो प्रकार के होते हैं, पहला इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर होगा और दूसरा होगा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। ये वाला जो सेक्टर था या इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित हम लोगों ने यहाँ पे तथ्यों को और उनसे संबंधित कुछ अवधारणाओं को देखा। और आगे चैप्टर नंबर 11 के पश्चात यानी चैप्टर नंबर 12 13 14 15 16 जो चैप्टर दिए हैं वह सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पे बेस्ड हम उसे देखेंगे, ठीक। अब जो नेक्स्ट वीक हमारा जो इकोनॉमिक का वीडियो आएगा वो चैप्टर नंबर 8 9 10, ये तीन चैप्टर जो बचे हुए हैं उनमें से किसी एक में मैं वीडियो आपको बना के देता हूँ, ठीक। बाकी तब तक के लिए धन्यवाद। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।